पाइल्स एक बीमारी ना होकर एक ये लाइफ डिसऑर्डर है जो आज के समय में अगर देखा जाए तो 90 से 95% लोगों को है। अगर फर्स्ट और सेकंड ग्रेड पाइल्स की बात करता हूँ तो हम 35 सेकंड के अंदर उसको ठीक करते हैं। हमारे यहाँ पर पूर्ण रूप से 100% आयुर्वेद चिकित्सा है जो कि WHO द्वारा प्रमाणित है कि 21 दिन के अंदर जाकर सार सूत्र तैयार होता है और वो सार सूत्र हम पाइल्स के अंदर लाइगेशन करते हैं जिससे वो बीमारी 5 से लेकर 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। अगर फीमेल ज़्यादातर बेसिकली फीमेल्स ही इस बीमारी को मेल के सामने बताने से शर्माती है तो आइए आप निसंकोच आइए, हमारे पास ज़्यादातर फीमेल ही स्टाफ है। अगर कोई नंदनी बवासीर अस्पताल में इलाज कराता है और उसको भविष्य में दोबारा ये दिक्कत होती है तो हम बिल्कुल लिख कर देते हैं कि दोबारा होने पर वो फ्री इलाज रहता है। मेरे हिसाब से हम गारंटी इसी उस पे देते हैं कि जो सार सूत्र है उसका रिजल्ट मैं ये मानता हूँ कि 100% सफल रहा है। नमस्कार, नेशनल खबर के खास हेल्थ प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको जानकारी देंगे पाइल्स के बारे में। पाइल्स आज लगातार बढ़ती हुई और पैर पसारती हुई बीमारियों में से एक है। ये महिला और पुरुष दोनों में ही पाई जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रॉब्लम है, पाइल्स की बात करें या बवासीर जिसे आप आम भाषा में जानते हैं, इस बीमारी को कोई डिस्कस करने से बहुत ज़्यादा घबराता है, चाहे अपने पेरेंट्स से हो, चाहे अपने रिश्तेदारों से हो, इवन डॉक्टर्स के पास जाने से भी घबराते हैं कि हमारे जो परिवार के लोग हैं या जो हमारे रिलेटिव हैं, आसपास के लोग हैं, उन्हें पता चलेगा तो उन्हें कैसी चीज़ें कैसे वो मेरे बारे में या आपके बारे में सोचेंगे। लेकिन पाइल्स, उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है और आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको इसी के बारे में जानकारी देंगे। यूँ तो हम आपको तमाम तरीके के एक्सपर्ट से मिलाते रहते हैं, लेकिन आज हम जिन एक्सपर्ट से आपको मिलवाने वाले हैं, ये पहले भी हमारे चैनल पर आ चुके हैं, पाइल्स को लेकर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी हम मौजूद हैं हरियाणा के रोहतक में और ये जगह है हिसार के पास में, जिसका नाम है नंदनी बवासीर हॉस्पिटल। और मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर विनय कुमार। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल पर। नमस्कार मैडम, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल सर। अच्छा सर, पाइल्स के जैसे हम जानकारी लेते हैं, यूँ तो बहुत सारे मैं ये देख सकती हूँ कि कुछ ऐसे केसेस सामने आते हैं वो ऑन रिकॉर्ड हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि पेशेंट सामने ही नहीं आते, शर्म के मारे वो अंदर ही चीज़ों को दबा लेते हैं। पाइल्स आखिर क्या है और आखिर इसके बढ़ने का क्या कारण है? पाइल्स एक बीमारी ना होकर एक ये लाइफ डिसऑर्डर है जो आज के समय में अगर देखा जाए तो 90 से 95% लोगों को है। पाइल्स जो है बेसिकली वेन है, गुदा के रस्ते में है, जो जहाँ खून का संचार होता है। जब किसी पुश के कारण या कोई बाहर के जंक फूड खाने के कारण जब मोशन करने के दौरान जोर लगाया जाता है तो वो वेंस फूल जाती है। वेंस फूलना ही पाइल्स है। अच्छा, और आखिर इसके बढ़ने का क्या कारण है? और मतलब आपने बताया कि 90 से 95% आज पूरी आबादी में ये है, महिला पुरुष सबको हो रही है, इसका कारण क्या है? सबसे ज़्यादा अगर अब देखें तो ये बच्चों के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि बाहर का जो जंक फूड है इसमें आप चाहे मोमोज लगा लीजिए, बाहर का जितना भी है वो सबसे मेन इसमें कारण है। उसके अलावा सिटिंग है लंबे समय तक, वो भी कारण है। पहले के समय में जो ये पाइल्स होती थी वो तकरीबन 40 साल के बाद होना स्टार्ट होती थी, और पहले के लोग में जैसे आपने कहा कि शर्माते हैं लोग, पहले के समय में ऐसा था। अब बहुत सी जागरूक हो चुके हैं लोग, सोशल मीडिया के थ्रू लगा लीजिए आप, या पेशेंट टू पेशेंट लगा लीजिए, हल्के से भी अगर लक्षण दिखते हैं तो तुरंत वो गुदा रोग विशेषज्ञ को दिखाते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ, अगर आज मुझे नहीं लगता कि लोग है ऐसे, अगर फिर भी है तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि ये बीमारी कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। आप तुरंत प्रभाव से अगर आपको गुदा में जलन है, दर्द है, मवाद आता है, मस्से आते हैं बाहर, इस तरीके के कोई लक्षण है तो तुरंत आप गुदा रोग विशेषज्ञ को दिखाइए। अच्छा, और इसका ट्रीटमेंट का क्या तरीका है? अगर मैं नंदनी हॉस्पिटल की बात करूँ तो यहाँ पर किस तरीके की ट्रीटमेंट दी जाती है मरीजों? हमारे यहाँ पर पूर्ण रूप से 100% आयुर्वेद चिकित्सा है जो कि WHO द्वारा प्रमाणित है। सार सूत्र विधि द्वारा हम इलाज करते हैं। सार सूत्र एक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसके ऊपर 3 तरह की मेन औषधियाँ का लेपन होता है, जिसमें आप हरिद्रा है, अपामार्ग का क्षार है और अर्क का दूध है, इनकी कोटिंग होती है जो कि 21 भावनाओं में जाके तैयार होती है। 21 भावना यानी इन द सेंस
कि 21 दिन के अंदर जाकर सार सूत्र तैयार होता है और वो सार सूत्र हम पाइल्स के अंदर लाइगेशन करते हैं, जिससे वो बीमारी 5 से लेकर 7 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। अच्छा, और मतलब और भी कई मरीज हैं, और नंदिनी हॉस्पिटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ जो आप मरीज़ को मुहैया कराते हैं उनके ठीक होने के लिए, और भी तमाम तरीके की चीज़ें हैं हमारे यहाँ पर। पेशेंट के लिए जो सबसे पहले इन्वायरमेंट होना चाहिए वो प्रॉपर आयुर्वेद से हैं, जो हम चिकित्सा करते हैं मैंने बताया सार सूत्र द्वारा चिकित्सा करते हैं। अगर कोई मरीज दूर से हैं तो हमारे पास आईपीडी की सुविधा है। अगर कोई मरीज पास से है तो हम आधे घंटे में उसको डिस्चार्ज दे देते हैं। खाने से लेकर रहने तक की व्यवस्था एक ही छत के नीचे हमारे सेंटर पर है। सबसे बड़ा सवाल किसी भी मरीज़ के मन में ये आता है कि कितना समय लगेगा इस प्रॉब्लम से ठीक होने में। अगर मैं पाइल्स और फिशर की बात करता हूँ, अगर फर्स्ट और सेकंड ग्रेड पाइल्स की बात करता हूँ तो हम 35 सेकंड के अंदर उसको ठीक करते हैं। अगर हम थर्ड और फोर्थ ग्रेड के अंदर जाते हैं तो उसमें 5 से लेकर 7 दिन का समय लगता है। उसके अलावा गुदा से रिलेटेड जैसे PNS पाइलोनिडल साइनस है या फिस्टूला है, उसके अंदर हम MRI के हिसाब से या अपना लोकल एग्जामिनेशन जो करके कितना लंबा उसका ट्रैक है उसके अनुसार बता पाते हैं कि फिस्टूला और PNS में कितना समय लगेगा। बाकी पाइल्स और जो फिशर है मैक्सिमम 5 to 7 डेज हम उसको कंप्लीट ख़त्म कर देते हैं। आप जैसे पाइल्स और फिशर का नाम ले रहे हैं तो ये टाइप्स हो गए, ये अलग अलग तरीके, ये तो डिजीज़ अलग हो गई। अगर पाइल्स में बात करें 4 स्टेज होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अगर हम फिशर की बात करें तो एक्यूट और क्रोनिक होती है। अगर हम फिस्टूला में करें तो 5 ग्रेड होती है, लेकिन इसके भी पार्ट आ जाते हैं। इसमें इंट्रास्पिंटर फिस्टूला है, हाई रेक्टल फिस्टूला है, कॉम्प्लेक्स फिस्टूला है, लोअर रेक्टल फिस्टूला है, पेरिनियल एब्सेसेस फिस्टूला है, ये कई तरह के फिस्टूला इसमें होते हैं। और मतलब इस कंडीशन तक पहुंचने के लिए जो वर्स्ट कंडीशन है, मतलब एक पेशेंट को कितना टाइम लग जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम समझ नहीं आती है। सच्चाई मैडम इसमें ये है, इस डिजीज़ के अंदर जब तक मरीज को खून ना आए, जब तक उसको दर्द ना हो, जब तक वो इस व्याधि को व्याधि नहीं समझता। अगर मरीज को शौच करने के दौरान उसको स्वेलिंग लगती है और हालांकि उसको पेन नहीं है, कोई ब्लीडिंग नहीं है, तो भी इसको तुरंत गुदा रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। अगर वो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के अंदर हमारे पास आता है तो बिना पेन का हम 35 सेकंड में उसकी ठीक कर देते हैं। अगर वो थर्ड और फोर्थ में आएगा, जो तकरीबन 5 साल से लेके 30 साल तक का पीरियड भी होता है, ऐसे पेशेंट भी है जो 30-30 साल से इस बीमारी से जूझ रहे हैं और फिर वो आते हैं, उसमें दर्द भी रहेगा लाजमी है, 5 से 7 दिन भी लगते हैं, पैसा भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, तो बहुत सी चीज़ें इसमें बढ़ जाती हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि कुछ मरीज शर्माते भी हैं, आपके पास भी कुछ मरीज़ आते होंगे इस तरीके की चीज़ें कहने के लिए, आपके पास रिपोर्ट्स हैं मरीज़ों की? बिल्कुल, निश्चित रूप से हर तरह का मरीज़ आता है, लेकिन हमारे सेंटर में फीमेल डॉक्टर है। अगर फीमेल ज़्यादातर बेसिकली फीमेल्स ही इस बीमारी को मेल के सामने बताने से शर्माती है जी। तो आइए, आप निश्चिंत चाहिए, हमारे पास ज़्यादातर फीमेल ही स्टाफ है। और रिपोर्ट्स की अगर बात करें जी, तो हम फिजिकल एग्जामिनेशन, प्री रेक्टल एग्जामिनेशन बोलते हैं जिसको, उसके द्वारा जांच करते हैं, प्रोटोस्कोपी दूरबीन द्वारा जांच करेंगे, जिसमें कि पाया जाता है कि उसको पाइल्स है या नहीं है। पेशेंट के जो अटेंडेंट है उनको हम साथ दिखा देते हैं। अगर फिर भी कोई किसी तरह की शंका है तो कुछ मेडिकल टर्म के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है, जैसे इसमें आप कोलोनोस्कोपी लगा लीजिए, MRI लगा लीजिए, CT लगा लीजिए, वो हम कराते हैं। और ये जो फाइल्स मैं देख रही हूँ, ये आपके काम की फाइल्स हैं या पेशेंट की फाइल्स हैं? ये पेशेंटों की फाइल है और ये कोई तकरीबन 15 दिन की फाइल है, जो अभी इन लास्ट 15 दिनों में हमने जिसका ट्रीटमेंट किया है। ऐसे ही बहुत से फाइल है जो हमारे 3-4 साल से है, तकरीबन 4500 से ज़्यादा जिसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। OPD को अगर देखे जाए तो हम 10,000 से ऊपर कर चुके हैं, लेकिन ऑन टेबल जो ट्रीटमेंट हमने किया है वो 4500+ हमने किया है। क्या ऐसा भी हुआ है कि आपके पास कुछ पेशेंट आए हों और वो ठीक नहीं हो पाए, उन्हें कहीं और जाना पड़ गया या फिर वो कहीं और से यहाँ आए और वो ठीक नहीं हुए? पहली बात मैडम, हमारा स्टार्टिंग से एक स्लोगन है, अगर कोई नंदिनी बवासीर अस्पताल में इलाज कराता है और उसको भविष्य में दोबारा ये दिक्कत होती है तो हम बिल्कुल लिख कर देते हैं कि दोबारा होने पर वो फ्री इलाज रहता है। अच्छा। फिर भी मेरी नज़र में नहीं है ऐसा कि कोई पेशेंट आया है और हमने उसका इलाज नहीं किया। अगर वो आया ही नहीं, वो अलग बात हो सकती है। मेरे हिसाब से हम गारंटी इसी उस पर देते हैं कि जो सार सूत्र है उसका रिजल्ट मैं ये मानता हूँ कि 100% सफल रहा है।
अब कई बार ऐसे भी देखा जाता है, जब मैं आ भी रही थी यहाँ तक, तो मैंने कई वॉल्स पे देखा है कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं कि 100% आप पाइल से फ्री हो जाएंगे। क्या उस तरीके का कोई आप दावा करते हैं कि 100% आप ठीक हो जाएंगे? मैडम, मैंने तो बताया है हम दोबारा किसी तरह का शुल्क नहीं लेते। पहली बार मैं ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ कि वो आप ठीक हो जाएंगे, ये आप दावा करते हैं, ये आप मैडम मैं वही तो गारंटी का ही तो बता रहा हूँ ना, दोबारा हम फीस नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम 100% इलाज करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित तौर पर मैं ये कभी नहीं कहता, और कहने की दूसरी बात लिख कर तो बिल्कुल नहीं देता, ये भी सच्चाई है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, अगर अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए, कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो इस प्रॉब्लम से हैं भी, ग्रसित भी हैं, 90% एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं संख्या है, उसमें कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं जो इन्वेस्ट कर लेते हैं, कुछ लोगों के पास नहीं होते हैं, तो वो कैसे नंदनी हॉस्पिटल में इलाज ले सकते हैं, आपके पास आएँ, क्या उनका इलाज यहाँ पॉसिबल है? मैडम ऐसा है, आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ प्लान मैं ये मानता हूँ कि 70% लोगों के पास आजकल इंडिया में है, और जितने भी प्राइवेट टीपीए हैं हमारे यहाँ पर वो सारे टीपीए लागू है। अगर बिल्कुल गरीब व्यक्ति की अगर आप बात करते हैं तो आपने ग्राम पंचायत से, आपके एमसी से, उस क्षेत्र में जो भी उनका प्रधान सेवक होता है उनसे लिखवा के ले आइए। जो अगर हमारा 10 रुपये चार्जेज है तो हम उसको 5 रुपये डिस्काउंट करके उसका इलाज कर देते हैं। और दूसरी बात, फिर भी वो इस चीज़ में भी सक्षम नहीं है तो बिल्कुल निश्चित रूप से आइए, आप फ्री इलाज करा लीजिए। बिल्कुल ये तो बहुत खूब बात है। और मतलब नंदनी हॉस्पिटल के कहीं ब्रांचेस हैं या फिर ये रोहतक हिसार में ही मौजूद है? ये रोहतक हमारा जींद हिसार रोड पर है, इसके अलावा हमारा पानीपत सज्जे चौक पे, उसके अलावा चंडीगढ़ पंचकूला के अंदर सेक्टर 10 के अंदर हमारी ब्रांच है। अच्छा, चलिए सर। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा, अगर पॉसिबल हो सके तो किसी मरीज़ की आप रिपोर्ट हमसे साझा कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि वो ट्रीटमेंट हो चुका है, वो ठीक हो चुके हैं या जो भी है? देखो मैडम, कैमरे के ऊपर तो कोई आना नहीं चाहता जी। अगर हम ही इसी पेशेंट की फाइल को उठाते हैं तो ये मनोज पेशेंट है जिसका हमने ट्रीटमेंट किया। अच्छा। इनको 2nd ग्रेड इंटरनल हेमरोइड था 9 o'clock पे, जिसको हमें शारपादन द्वारा इलाज किया, जो मैं 35 सेकंड के अंदर आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा इनको फिशर था। अच्छा। 6 o'clock के ऊपर उसका इलाज किया। ये फाइल आपकी तकरीबन 15 दिन पहले की है, जो बिल्कुल अच्छा। ठीक है, अभी कोई कंप्लेन भी नहीं है उसकी। ठीक है, और उसके बाद अगर उसको कंप्लेन होती तो वो दोबारा नेचुरल है कि दिखाने आते। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप ये जो रिपोर्ट्स हैं उन्हें देख भी पा रहे होंगे कि कैसे आखिर जो पेशेंट है वो ट्रीट हुआ है। चलिए डॉक्टर विनय, आपका बहुत शुक्रिया पाइल्स पे खास जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर विनय कुमार, जिनसे हमने अभी जानकारी ली पाइल्स के बारे में। और यहाँ पर जैसे कई आप देखते होंगे अलग अलग जगहों पर कि ये चीज़ गारंटी लिखी होती है कि 100% आपको ट्रीट किया जा सकता है, तो यहाँ पर वो चीज़ पॉसिबल भी हो सकती है। जैसे डॉक्टर विनय बता भी रहे हैं कि कई पेशेंट यहाँ पर आए हैं और ठीक होकर गए हैं। तो अगर आप भी पाइल्स जैसी किसी भी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं तो नेशनल खबर की तरफ से और मैं खुद ये अपील करती हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ से घबराना और शर्माना बंद कीजिए, और तभी जाकर आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। और ऐसे ही तमाम और ख़बरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।